उर्फी जावेद हैज बीन ऑन द इंटरनेट एवरीवेयर. विकीपीडिया क्लेम्स हर टू बी नोन फॉर हर यूनिक फैशन सेंस और कुछ लोगों को ये क्रिंज लगती है. खैर हमें उससे क्या, बिकॉज इन टूडेज वीडियो वी विल डाइसेक्ट द ऑनलाइन पर्सनैलिटी उर्फी जावेद. एंड इस वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक ऐसी तगड़ी वैल्यू दे दूंगा दैट विल बी मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन दिस एंटायर एनालिसिस. तो एंटरटेनमेंट चाहिए तो पूरी वीडियो देखो, वरना वैल्यू पे भी स्किप कर सकते हो. और एक बात बताओ, ये उर्फी जावेद को मैंगोज क्यों नहीं पसंद? I'm sorry, I hate mangoes. तो देखो ये बातों में माननी पड़ेगी, अच्छा है बुरा है वो बात का क्वेश्चन आता है, बट आउटफिट जो उर्फी की हैं दे आर क्रिएटिव इनफ. क्योंकि इंडिया में दिस माइट बी लेस अप्रिशिएटेड, बट अगर तुम फॉरेन कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो मेट गैला जैसे इवेंट्स हो गया या अदर ऐसे फैशन आइकॉन्स हो गया, दे टेंड टू वेयर दिस सॉर्ट ऑफ क्लोथ्स. इंडिया में बस रिसेप्शन का फर्क है, क्योंकि वो कल्चरल कंटेक्स्ट उतना स्ट्रांग नहीं आता, थोड़े कंजर्व है यहाँ के लोग, एंड इसीलिए जो उसका ये फैशन है दिस ब्रिंग्स अनवांटेड अटेंशन फ्रॉम गुड एज वेल एज द बैड पीपल. तो जिनको तो आर्ट की समझ है वो तो लोग कहते हैं कि हाँ कुछ नया ट्राई कर रही है, आर्टिस्टिक होने की कोशिश कर रही है, बट देन देयर आर सम स्मॉल चंक ऑफ ऑडियंस जिनको यही लगता है कि इसके पीछे आर्टिस्टिक वैल्यू जीरो है एंड वल्गैरिटी ज़्यादा. खैर वो भी हो सकता है, बिकॉज द सिंपल रीजन उर्फी जावेद स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज एंड देन इवेंचुअली शी फिगर्ड आउट दिस एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसके थ्रू उसे फेम, अटेंशन, मनी ये सब चीजें मिल रही है, एंड दैट इज व्हाट शी स्टिक टू. क्योंकि वो आर्ट ही कैसी, वो फैशन ही कैसा जो हमारे सोसाइटल नॉर्म्स को क्वेश्चन ना करे. एंड उर्फी इसी थिन लाइन के बीच में प्ले करती है बिटवीन एक्सप्रेशन एंड प्रोवोकेशन, क्योंकि उसे पता है अगर उसे व्यूज चाहिए वो भी मास ऑडियंस से, तो उसे उन ऑडियंस को प्रोवोक ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना जो फैशन और आर्ट को अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं वो इंडिया में बहुत लिमिटेड नंबर में है. इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी. एंड दैट इज हाउ उर्फी लेवरेजेस कॉन्ट्रोवर्सी फॉर हर विजिबिलिटी. सो अल्टीमेटली ये जितना सारा भी क्रिटिसिज्म उसकी ड्रेस के अराउंड, क्रिंज के अराउंड होता है, काफी हद तक ये जस्टिफाइड होता है कुछ सेंस में, जब वो अपनी वो प्रोवोकिंग वाली लिमिट को ओवर पुश कर देती है या फिर कुछ चीज चलती नहीं है. क्योंकि आर्ट का बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर तुमने कुछ क्रिएटिव किया और वो चल गया तो वो मास्टरपीस है, वरना वो क्रिंज की कैटेगरी में फॉल करेगा. फिर दैट ऑल्सो टेल्स कि ये क्रिटिसिज्म काफी हद तक सिर्फ एक पॉइंट से आ रहा है कि उसका सोशली एक्सेप्टेंस कितनी है इस टाइप ऑफ स्टाइल की. At the end of the day, she is playing the game and winning it in her own way. And that just tells about the value of this video, जो उर्फी की स्टोरी से हमें मेजरली पता लगता है कि उसके इतने सारे क्रिटिक्स होने के बावजूद भी शी इज ट्राइंग टू स्टिक टू दैट फॉर्मूला जिसके थ्रू उसे मनी मिलेगी, एंड उसके साथ वो थोड़ा थोड़ा तड़का मिक्स कर रही है जिसके थ्रू उसे अप्रिसिएशन मिल सकती है जनरल ऑडियंस की तरफ से. तो ये दोनों मिक्सचर को मेंटेन करके ही वो सस्टेन कर सकती है, फेम भी गेन कर सकती है एज अ नेम सजेस्ट. क्योंकि उसका एम्फोसिस लोगों की जजमेंट में नहीं है, रेदर इट इज इन फाइंडिंग द राइट मार्केट, राइट ऑडियंस दैट शी कुड मोनेटाइज. एंड मैं भी एक कंपनी का सीटी हूँ, इट इज अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली चीज, बट दैट इज समथिंग दैट वर्क्स इन करंट सिनेरियोज. Don't wait for others to validate your vision. Success comes from embracing your own uniqueness and executing it with confidence, no matter the criticism. इसीलिए ultimately मेरा personal opinion बस यही है कि Urfi is just trying to find her way out. और उस दौरान वो ऐसी कई चीजें करती है try जो कि over the top हो जाती है, but if that works for her, that works. हम कोई नहीं होते उस चीज को जज करने वाले. हाँ हम ओपिनियन जरूर दे सकते हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो सकता है, बट अल्टीमेटली उसको घंटा फर्क पड़ता है. तुम बस एंजॉय करो इस वीडियो की वैल्यू, एंड टिल देन कीप एनालाइजिंग. बाय.